हाय, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन से बोर हो गए और वही चीला, वही पोहा, वही पराठा, तो क्या खाएं? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हेल्दी सैंडविचेस बताऊंगी जिससे आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। और विंटर्स में इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, उनका यूज़ करेंगे और हम ये हेल्दी से सैंडविच बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारी मॉर्निंग्स के लिए, क्योंकि हमारी रात भर की जो हमने खाया है डिनर के बाद, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। और ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, वही हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और नहीं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है। और जो लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों को डेली में ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना है, उसके बाद के मील्स चाहे थोड़े कम हो जाएं, लेकिन ब्रेकफास्ट आपने पूरा किंग साइज करना है, अच्छे से करना है। और इसीलिए ये मैं हेल्दी सैंडविचेस लेकर आई हूँ, जिसकी आप तैयारी रात में भी करके रख सकते हैं और उसके बाद आप सुबह से फटाफट से कंपाइल कर लीजिए। और इसमें मैं अपनी होममेड मेयोनीज, होममेड हमस का यूज़ करूँगी, और जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी रेसिपीज़ बता चुकी हूँ। तो देर ना करते हुए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये हेल्दी से सैंडविच। फर्स्ट हम बना रहे हैं हंग कट सैंडविच। इसमें मैं कैरेट डाल रही हूँ, साथ में ही तीनों कलर्स की कैप्सिकम डाल रही हूँ। फाइबर रिच होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, और इससे टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है। और आजकल विंटर्स हैं और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं। और ये मैं दोनों कलर्स के ऑलिव्स डाल रही हूँ, ब्लैक एंड ग्रीन, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में ही मैं ग्रीन चिली और कोरिएंडर डाल रही हूँ, और अनियन भी डाल रही हूँ साथ में। तो आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच कितना फाइबर रिच है और बहुत टेस्टी बनने वाला है। और साथ में ही मैंने इसमें टमेटोज ऐड कर दिए हैं, और इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। और हंग कट बनाना बहुत आसान है। आप कपड़े पे कर्ड को, घर के बने हुए कर्ड को, लो फैट कर्ड को लटका दीजिए थोड़ी देर और बन जाता है। अब इसमें मैंने पेपर डाल दिया है, इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ में ही हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाला है, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक तरीके से मिल जाएं। अब मैंने ये मल्टीग्रेन ब्रेड ली है और इसके ऊपर हम ये सैंडविच बनाएंगे, और ये बहुत फटाफट से बन जाता है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी रात में ही कर दें तो आपको ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और मल्टीग्रेन ब्रेड आपकी रोटी का काम करती है और ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो आप कोशिश करके मल्टीग्रेन ब्रेड या व्हीट ब्रेड का ही डेली में इस्तेमाल करें। अब मैं इसे ग्रिलर में रख दूँगी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और ग्रिल करके भी खा सकते हैं। विंटर्स हैं तो ग्रिल करे हुए सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए बनकर तैयार हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आजकल हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत आसान हो जाती हैं। और ये देखिए बनकर तैयार है। इसे मैंने अब पिज़्ज़ा कटर से काट दिया और बस अब आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितना ईजी था ये सैंडविच, और ग्रिल मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, देखते ही खाने का मन कर रहा है। बहुत ही टेस्टी बना है ये देखिए। अब मैं दूसरा बना रही हूँ सैंडविच। इसके लिए मैं टोफू को पहले ग्रिल कर लूँगी, और इसमें हमने हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाया है ग्रिल पैन पे, और थोड़े ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे तब तक हम इसे पकाएंगे। और टोफू जो है ये वीगन प्रोटीन होता है, और जिन लोगों को लैक्टोज एलर्जी होती है और वो इसे खा सकते हैं, या वेट वॉचर्स के लिए टोफू बहुत अच्छा है, बिल्कुल लो इन कैलोरी होता है। आप इसे वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं और इसका बहुत तरीके की डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। आप पालक पनीर में भी पालक टोफू डाल सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है ये। बस इसका टेस्ट आपको एक बारी
समझ आ जाना चाहिए। अब इस पे मैं घर की बनी हुई हमस लगा रही हूँ। इसका लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूँगी। ये मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले सिखाई है और घर की बनी हुई चीज़ें बेस्ट होती हैं। अब इसमें मैं कुकम्बर सॉरी टोफू और कैबेज लगाया है और साथ में ही मैंने पिकल्ड अनियन, जिसे मैंने रात को एप्पल साइडर विनेगर में डिप करके रख दिया था, इससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है सैंडविच का, और इनको मैं लगा रही हूँ। और इस तरीके से हम पिकल्ड अनियन को इस पे लगा देते हैं और बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। साथ में ही ट्राई कलर कैप्सिकम्स लगा दिए हैं मैंने और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और इस पर अब हम थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल देंगे। बहुत ही फाइबर रिच सैंडविच है और इस तरीके की चीज़ें जब हमें ब्रेकफास्ट में मिलती हैं और इसको आप डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, तो हेल्थ तो अच्छी रहनी ही है, साथ में ही वेट भी मेंटेन रहेगा। और इसके ऊपर एक पीस और टोफू का रख दिया है और ये अब इसको हम ग्रिल कर देंगे। और ग्रिल पैन पे मार्क्स ग्रिल के अच्छे से आ जाने तक इसको हम ग्रिल करेंगे। देखिए फटाफट से बन गया और अब हम इसको कट करके एंजॉय करेंगे। और इस तरीके से ये सैंडविच हमारा सेकंड नंबर का बन गया, सेकंड रेसिपी है ये। और मैं आप लोगों को आज 4 टाइप्स की रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। और विंटर्स में वेजिटेबल्स इतनी अच्छी मिल रही हैं, आप तरह तरह के इनोवेशंस कर सकते हैं। ये घर की बनी हुई मेयोनीज़ है जो मैंने आपको सिखाई थी, उस पर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी कश्मीरी चिली डाली है जिससे कि इसका एक कलर बदल जाए। बाज़ार की बनी हुई मेयोनीज़ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी होगी और लो फैट चीज़ों का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब इस पे मैंने कुकम्बर लगा दिया और कुकम्बर में वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। टमाटो और ट्राइकुलर कैप्सिकम भी लगा दिए हैं और ये सारी चीज़ें ही एंटीऑक्सीडेंट रिच, माइक्रो मिनरल्स और विटामिंस रिच होती हैं। और इतने सारे विटामिंस और मिनरल्स जब हमें एक साथ थोड़ी सी कोशिशों से मिल जाएं, तो हमें ऐसी कोशिश रोज़ करनी चाहिए। और इस तरीके का ब्रेकफास्ट खाने का भी मन करता है और आप रात को ही थोड़ी सी तैयारी कर लें और उसके बाद सुबह आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। थोड़े से ऑलिव्स भी डाल रही हूँ, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं और ये पिकल्ड ऑलिव्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और इसको भी मैं ग्रिल कर ले रही हूँ, ये देखिए ग्रिल हो गया। और इस सैंडविच का भी आप आराम से लुत्फ़ उठा सकते हैं और ये भी बहुत टेस्टी बना है और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है। और ये 2 सैंडविच खा के ही आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद ग्रीन टी पी के आराम से इंजॉय कीजिए। अब मैं 4th रेसिपी बता रही हूँ। इस पे भी मैंने हमस लगाया है घर का बना हुआ, साथ में श्रेडेड कैरेट डाल दी है और कैरेट भी आजकल बहुत अच्छी आ रही है। और जो हमारा फर्स्ट सैंडविच का हंग कर्ड का मिक्सचर बच गया था वो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। और दूसरे पे मैंने होममेड मेयोनीज लगा दी है और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें कुकम्बर, टमाटो और होममेड मेयोनीज और कैप्सिकम सारा कुछ लग गया। और ये देखिए 4 टाइप्स ऑफ सैंडविच बनकर तैयार है। तो तैयार है हमारे 4 टाइप्स। तो कैसे लगे आप लोगों को ये सैंडविच? जरूर ये पूरी 4 रेसिपीज मैंने आप लोगों को बताई हैं और ये सारी ही विंटर्स के लिए बहुत सूटेबल हैं, हेल्दी रेसिपीज हैं, होममेड चीज़ों से बनी हैं और बाहर के सॉसेस चटनीज आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और ऑयल्स होते हैं। इसलिए होममेड फूड, घर की बनी हुई चटनी सॉस, उसी से ही आप सैंडविच बनाइएगा। और ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको भी बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए। और आप इसमें और क्या इनोवेशन करते हैं और आप और क्या कर पाते हैं इसमें अपनी इमेजिनेशन से, मुझे ज़रूर बताइए। लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।